रोड की रोड़ी आदमी खाएगा। एक तो कह रहे भैया 100 रुपए का तेल ले लेंगे लेकिन अच्छा रोड भी हमारे पैसे से ही बन रहा है। मोदी जी अपने बाप के घर से थोड़ी लाए हैं। बीजेपी नहीं बनेगी, बीजेपी को नहीं कहा, बीजेपी देश को भगाना है। अच्छा देश से भगाना है और जनता के पैसे से राम मंदिर बनाया। जनता के पैसे से नहीं, मैंने घर से दिया पैसा और क्या, घर से दिया, चंदा मांगा, चंदे से बनाया मंदिर के, तो मोदी जी ने बनवा दिया। और बिल्कुल मैंने नहीं दिया, और तुमने दिया चंदा, तुमने दिया है, तुमने दिया है चंदा, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे तो वहीं पे तो जाएंगे कटोरे लेके भीख मांगने। वो किस लिए बनाया, भीख लेकिन भीख मांगने के लिए बनाया है। उससे भी तो कई लोगों को रोजगार मिला, बाहर दुकानें लगी हैं। क्या रोजगार मिला है, बाहर दुकानें लगी हैं, बाहर सड़कें ठीक हो गई हैं। सड़कें ठीक हो गई हैं, किस लिए सड़कें ठीक हो गई हैं पता है, किस लिए सड़कें ठीक हो गई? वहाँ पे जब मंदिर जो बनाया है वहाँ पे दलित समाज जो थी वो पता है कितनी दूर तक हटा दी गई है वहाँ से, पता है कितनी दूर तक हटा दी गई। वहाँ पे कोई दलित समाज नहीं जा सकता, उसके अंदर जितने भी पुजारी हैं कोई भी दलित नहीं है उसमें, जितने भी मतलब पुजारी हैं उसमें सब ऊंची कास्ट की, नीचे कास्ट कोई भी नहीं है। मुझे क्यों नहीं देगी, मैंने काम किया है, कार्ड है मेरे पास, सब कुछ है, बस यही आप उस पर दिखाना टीवी पे। चलिए आपसे पूछूं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता बनी? मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है सर इस बार किसकी सरकार बनी? सरकार किसी की भी हो, गरीब आदमी तो कमाना जाना जब उसे पैसा मिलेगा। हाँ। सरकार कोई सी भी हो। हाँ। तो इसलिए गरीब आदमी जो भी है परेशान, गरीब आदमी अमीर आदमी कोई परेशान नहीं है। हाँ। गरीब आदमी परेशान है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे भैया हमने 10 साल में इतना काम किया जो 60-70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। किसको नौकरी मिली है? हाँ। किसको मिली है नौकरी? आत्मनिर्भर तो बना दिया। हम 15 साल भी पहले मजदूरी कर रहे थे और आज भी मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करते रह जाएंगे। कह रहे आत्मनिर्भर बना दिया, पकौड़े तले, चाय बनाए, ऐसा कहीं कुछ वो भी तो रोजगार है ना? ना ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा जिससे तो आदमी भीख मांगने लगा वो भी रोजगार है। इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिया और आपका कोई मोदी जी के काम अच्छे सबसे बड़ा राम क्या कह रहे हैं? तो वहीं पे तो जाएंगे कटोरे लेके भीख मांगने। वो किस लिए बनाया, भीख लेकिन भीख मांगने के लिए बनाया है। उससे भी तो कई लोगों को रोजगार मिला, बाहर दुकानें लगी हैं। क्या रोजगार मिला है? बाहर दुकानें लगी हैं, बाहर सड़कें ठीक हो गई हैं। सड़कें ठीक हो गई हैं, किस लिए सड़कें ठीक हो गई हैं पता है, किस लिए सड़कें ठीक हो गई? वहाँ पे जब मंदिर जो बना है वहाँ पे दलित समाज जो थी वो पता है कितनी दूर तक हटा दी गई है वहाँ से, पता है कितनी दूर तक हटा दी गई? वहाँ पे कोई दलित समाज के नहीं जा सकता, उसके अंदर जितने भी पुजारी हैं कोई भी दलित नहीं है उसमें, जितने भी मतलब पुजारी हैं उसमें सब ऊंची कास्ट की है, नीचे कास्ट का कोई भी नहीं है, कोई है बताओ मुझे। तो बीजेपी में कहते रहे भाई संस्कारी, अब अखिलेश यादव देखे ना मंदिर गए थे तो पूरा मंदिर दुलवा दिया, अब राहुल गांधी बनारस गए तो पूरा बनारस दुलवा दिया। ये गलत हुआ पूरा उनके साथ, पूरा गलत हुआ है उनके। तो क्या लग रहा है मोदी जी से खुश? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल खुश नहीं है हम। कहाँ जाएंगे मोदी जी, घर परिवार देश इतना छोड़? अरे बिल्कुल चले जाएंगे, जैसे झोला डंडा लेके आए थे और वैसे ही चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे ये दिल्ली से छोड़ जाएंगे, गुजरात जाएंगे वो सीधा, अब यहाँ से गुजरात जाएंगे। हाँ अच्छा। जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे वो। क्या तुम भेज दो गुजरात? हाँ भेज देंगे। कौन भेजेगा? अभी चल जाएगी बता मेरा भाई, मेरा भाई चल जाएगी। झगड़ा ना करे, ये बताए जनता भेजेगी भाई, जनता किसकी सरकार बनेगी? क्या मोदी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। चलिए चार अच्छे काम गिनवा। क्या चार अच्छे काम? क्या गिनवाओ काम? चार अच्छे काम। क्या काम गिनवाओ? सभी अच्छा हो रहा हमारे साथ तो। क्या अच्छा? क्या पहले क्या मिल लिया तुम्हें? क्या मिल लिया पहले? क्या मिल लिया मेरा भाई? पहले क्या मिल लिया बताओ? क्या मिल रहा है पहले? क्या मिल पहले? क्या मिल लिया? कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है मुझे? आप ये राशन टाइम पे मिल रहा था पहले? राशन टाइम पे मिल रहा था पहले? पहले टाइम पे मिल रहा था? कहां मिल रहा था? टाइम पे मिल रहा था? कहां मिल रहा था? टाइम टू टाइम कहां मिल रहा था? अब टाइम पे मिल रहा है। क्या घर बनने भाई? 5 लाख कॉलोनी आई है, 5 लाख में क्या मुझे मिला? हां मिला। बोल रहे हो? मुझे मिला अभी तो बोल रहे हो? बोलूंगा भाई, बोलूंगा। आपको मिला है? बोलूंगा भाई, हुआ है बोलूंगा। कैसी बात कर रहा है? अरे भाई तो कुछ नहीं है, अखंड भारत भी आने वाला। अरे कैसी बात कर रहा है मेरा भाई? चल रहा है बता राम मंदिर। हाँ। भाई किस बनवाया? किसी किसी किसके बस किया? किसके बनवाया? किसी का बस की था? किसी का बस की था? 10 साल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना? ऑर्डर ऐसी ऐसी थोड़ी ना मान गया मैडम जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? मानते क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इतने सारे हमारे भाई। कोई भी सरकार होती अगर ऑर्डर आता तो राम मंदिर बनता। कौन ऐसे कैसे बनता था राम मंदिर? किसी का बस की था? पहले ऑर्डर गए बने, बनवाया पहले बाबरी मस्जिद थी। राम मंदिर की बात कर रहे हैं हम, बताए कह रहे हैं कि फैसला आया तो बना, किसी और सरकार की हिम्मत नहीं थी। कोर्ट ने बनवाया और जनता के पैसे से राम मंदिर बनाया है। जनता के पैसे से नहीं, मैंने घर से दिया पैसा और क्या, घर से दिया, चंदा मांगा, चंदे से बनाया मंदिर के, तो मोदी जी ने बनवा दिया। और बिल्कुल दिया, मैंने नहीं दिया, और तुमने दिया चंदा, तुमने दिया है, मैंने नहीं दिया, तुमने दिया है, तुमने दिया है चंदा, मैंने नहीं दिया।
बात करें, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे भी बात कर रहे हैं। मंदिर से क्या रोजगार मिला है? तुम्हें बताओ क्या रोजगार मिला? तुम्हें अखिलेश की सरकार में कौन सा रोजगार मिल गया? मैं अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कुछ, तुम बताओ। मैं कुछ कह रहा हूँ तो किसी की सरकार की बात ही नहीं करनी। सरकारी अस्पताल अखिलेश सपा सरकार मना दी, सरकारी अस्पताल है क्या? सपा सरकार कौन सा बनवा दिया? सरकारी अस्पताल है भाई, यार किसी बात कर रहा है। चलिए मोदी जी के अच्छे काम बताते हैं, काम गिनवा, क्या काम गिनवा? काम कई सारे अच्छे काम हो रहे हैं, क्या अच्छा भाई बताए ना, क्या अच्छा काम हमारे? सही सही काम हो रहे हैं भाई, सब अच्छे काम हो रहे हैं। हम तो भाई हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और भाई हम तो अखंड भारत बना करेंगे, चाहे कोई भी कुछ। मतलब अभी अखंड भारत, अभी नहीं, जय श्री राम। चलिए कह रहे भैया अभी अखंड भारत है ही नहीं, थोड़ा ही बन जाएगा जय श्री राम बोलने से अखंड भारत। चलिए सवाल का जवाब दे, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी नहीं बनेगी, बीजेपी को नहीं कहा ना, बीजेपी देश को भगाना है। अच्छा, देश से भगाना है? क्या रोड की रोड़ी आदमी खाएगा? एक तो कह रहे हैं भैया 100 रुपए का तेल ले लेंगे, लेकिन अच्छा रोड भी हमारे पैसे से ही बन रहा है, मोदी जी अपने बाप के घर से थोड़ी लाए हैं। सुनिए ना, आप भी रोड पर चलते हैं, सबको चलता है, आप भी पहले जाते हैं 2 घंटा में खोरा, आप 2 मिनट में खोरा जा रहे हैं। आपको दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आप मेरे से उम्र में जड़े हैं। एक चीज बताओ, पहले रोड कैसे रिपेयर होते थे? चलिए महंगाई है, कोई देख रहा है? रास्ता छोड़े, महंगाई है। ये काम किसने कराया? ये सारा काम दिल्ली सरकार ने कराया, हमारा सांसद आया यहाँ का, गौतम गंभीर सांसद बना था, आज तक एक दिन भी नहीं आया। अरे वहाँ देखा था, नामांकन भरने गया था, एक दिन भी नजर नहीं आया। बीजेपी रास्ते छोड़े, सवाल सुने, रास्ते छोड़े, महंगाई है क्या देश में? देखिए महंगाई तो मैडम सब दिन रहता है, आज सब दिन लोग चलता है, नहीं चले होगा तो किस पर लोग चलेगा? गाछ पर नहीं चलेगा? महंगाई की बात चलेगी, यहाँ रास्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल महंगाई की। देखिए ऐसा है कि महंगाई तो चलता आता रहेगा। अच्छा, साधन सुविधा पहले चाहिए। हाँ। हम 2 घंटे में जाते थे थोड़ा, आज 2 मिनट में बाइक से मैं जा रहा हूँ। महंगाई का सवाल नहीं, काम करने अगर मोदी ने नहीं होता, अगर मोदी आया सब्सिडी खत्म कर देंगे। अच्छा, और वो जो अडानी का और अंबानी का 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, नहीं नहीं बताओ ना, 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया, उसका क्या, उसका क्या, उसका कुछ नहीं? अरे भाई यार बात करने में क्या बुराई है? अगर सब्सिडी गरीब को मिले तो दिक्कत है, उद्योगपतियों के 50,000 करोड़ माफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो सब बातों में अग्रणी लाएंगे तो मोदी जी को। अंध भक्त है ना ये, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, दिमाग नहीं है इनके अंदर, वो गोबर भरा हुआ है, नफरत का कीड़ा भरा हुआ वो है बस, और कुछ नहीं है। आपने ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार 2024 के चुनाव को लेकर, वही साथ ही साथ मोदी जी ने आज बनारस में नामांकन किया उसको लेकर जनता की क्या राय। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।